बस गलती हमारी ये हो गई थी कि हम कैमरा ऑन कर लिए थे और अच्छी बातें बता रहे थे वीडियो को लेकर के, चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया हमको। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है राजा और आप देख रहे हैं प्यारा से ओडिशा राजा ब्लॉग। दोस्तों आज पुराना से इंट्रो स्टार्ट कर रहे हैं फिर से, आज का प्यारा ब्लॉग को सुहानी स्टार्ट करेंगे। अभी जस्ट नहाए हुए है ये, इसका बाल भीग गया, हम बोले कि इसको साफ कर लो, पूरा पानी टपक रहा है लेकिन ये साफ नहीं करे कि इसको पढ़ने के लिए जाना है। फिलहाल इधर हमारे मम्मी पापा जी खाना वगैरह बनाने में लगे रहे हैं हमारे पापा जी। पापा गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। पापा से आशीर्वाद। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरे बेटा बेटी, मेरे भाई बहन जितना देख रहे हैं सभी को सुबह के पर आशीर्वाद है। आशीर्वाद देखो क्या बन रहा है, कबछुआ, यानी ये एक एक कह सकते हो चिकन के तरीके से होता है लेकिन ये चिकन नहीं है, ये है एकदम सा सादा और शाकाहारी खाना। आशीर्वाद ले लेते हैं। इधर आपकी प्यारी बहन सुहानी गरम गरम रोटी बना रही है, कबछुआ का सब्जी और रोटी बन जाएगा तो मस्त खाना खाएंगे। बाकी अभी मॉर्निंग का टाइम हो गया, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, ऐसा सीन है। आज खरगोश सब मस्ती कर रहे घूम घाम के, तीन चार इधर है, एक शायद उधर होंगे। एगो कहाँ गए पापा? तो अब इसके अंदर है चिड़िया, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, डर रहा है, डर रहा है, एक खरगोश से डर रहा है निकलने। कार्ड कैसे रहा, ये देखिए। मॉर्निंग के टाइम में एक ही काम है हमारे पास, गरम गरम रोटी खाना है और साथ साथ वीडियो का एडिटिंग करना है, दोनों भी काम करना है। मम्मी पापा जी मिलकर के दोनों खाना बना रहे, आपकी प्यारी बहन सुहानी पढ़ने के लिए चली गई है। तो वीडियो का ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, अपलोड कर दिया फटाफट। सबसे बड़ा टेंशन की बात रहती है, फ्री हो चुके हैं अच्छे तरीके से और टाइम देखो कितना हो रहा है, 1:11 हो रहा है। के लिए खुशखबरी ऐसा है, जितना भी जो मूली रखा हुआ था सबको छोटे छोटे टुकड़े में काट दिए गए ताकि इसका अचार बन सके, है ना मम्मी? और मम्मी जी का तबीयत भी ठीक नहीं है, बेचारी बैठी रहती है। और मम्मी जी को कहीं पर ले चलते हैं दिखाने के लिए सबसे पहले, फिर उसके बाद डॉक्टर के पास जाएंगे, जैसा कि अभी हमारे घर पे जैसे हालात है। लेट हम लोग उठ रहे हैं क्योंकि ठंडी का मौसम चल रहा है, तो वैसे भी रजाई के अंदर से निकलने का मन नहीं करता है। सबसे बड़ी बात है कि कछुआ को खाया कैसे जाता है, तो मैं आपको बता दूँ कैसे खाया जाता है। मम्मी ऊपर से चुरा करके ऐसे ऐसे, ये देखो मम्मी चुरा रही है, अंदर का छिलका होता है, ये प्लास्टिक टाइप का हो जाता है। देखो मम्मी ला दो, ये एकदम प्लास्टिक है बिल्कुल, देखो ये देखो बीज है वो एकदम प्लास्टिक टाइप में, एकदम टाइट रहता है पूरा। कहाँ गई थी? पढ़ने गई थी। कहाँ गई थी? घूमने गई थी तुम, पढ़ने नहीं गई थी। अभी हम लोग खूब बढ़िया सा जलेबी लाए थे और पकौड़ी के साथ मिला करके मस्त खाए, अभी खत्म हो गया। अच्छा भूगोल, मम्मी की रोटी गोल, पापा की रोटी गोल, जा। तो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा, मम्मी जी खाना खा ही रही थी, सुहानी अभी पढ़ के आगे बोली कि हम कबछुआ नहीं खाते हैं। तो ये देखिए अचार ले रखी है छोटी सी, और जितना हमारा जो पहलू का छोला का स्वेटर है सब उसको पहनती है। ये खा दो पापा बना के दिए। देखिए रोने लग गई। अच्छा ठीक है खा लो खा लो। अच्छा खरीदेंगे अच्छा खरीदेंगे, न्यू साल में जब गर्मी आ जाएगा ना तब खरीदेंगे स्वेटर। तो रात करिए गर्मी पहन का, तो अगला ठंडी में खरीदेंगे। हाँ पापा चलिए ना, तैयार हो ना जाइए। हाँ बना रहे वीडियो। पापा चलिए ना, बाल बाल कटवा लेंगे, तैयार हो जाइए, स्वेटर वेटर पहन लीजिए। तो पापा भी उधर रेडी हो गए हैं, साथ ही साथ हम भी रेडी हो गए, कोट पैंट रख लेते हैं, चौर वाले इलाके में अपना आराम से रील्स वगैरह शूट करेंगे। बाकी हमारा भी हेयर अभी अच्छा नहीं है, तो हो सकता है नया साल वाले दिन बढ़िया से कटवा उठवा लेंगे, तो फिर चलेंगे सुहानी के भाभी से मिलने के लिए, है ना? कोई प्रॉब्लम क्या होता है, स्कूटी को निकालने के लिए स्पेस नहीं बचता है तो दूसरे गाड़ी को क्या करते हैं, दो ईटा यहाँ लगा देते हैं और बीच वाले घर में जो है जा कर के रख देते हैं, तब स्पेस खाली होता है तब जाके स्कूटी को निकालते हैं। अभी इसको तोड़ना पड़ेगा, अगर पैसे वगैरह अच्छे से हो जाते हैं तो सारा घर वगैरह यहाँ बनेगा तो बेस्ट रहेगा। और काफ़ी सारे भैया लोग भी मिलने के लिए आते हैं तो उनको ठहरने के लिए जगह नहीं रह पाता है क्योंकि घर में फैमिली रहता है, उनके लिए भी एक अलग से ऑफिस वगैरह जो भी होगा उसको बनाया जाएगा। मैं आ रहा हूँ मार्केट से, ठीक है? क्या क्या लेना है? प्याज, पापा का केस कटवाना है और क्या, मोबाइल में पैसा भरवाना है और सुहानी के भी मोबाइल में, सुहानी के फिर नेट नहीं है तो उसको भी भरवाना है। अच्छा ठीक, प्याज टमाटर और धनिया पत्ता। अच्छा ठीक है ले ले। और कुछ खाए वाला क्या है? तुम बाहर निकलो। सुग्गा के लिए चना, चना तोता के लिए। हाँ अच्छा ठीक,
तुमको क्या खाना है? आलू चॉप। ये आलू चॉप क्या होता है? आलू चॉप। आलू चॉप हाँ। अच्छा जब हम तनी तब हमारा नाम था ना आलू। हाँ, आलू पूजा दीदी रखी थी। ठीक है, ठीक है, निकाल ले मम्मी का ख्याल रख। छोड़ दो मम्मी अभी खा, अभी छोड़ दो, छोड़ दो। हर चाइना बनती है ये। मम्मी छोड़ दो ना, खराब हो जाएगा। फेस में पिंपल्स हो गया गाइस। चलिए पापा, चलो गाइस मिलते हैं आप लोगों से रास्ते में। जस्ट अभी शाहपुर कटोरी पहुंचे हैं। ये भैया जी है, काफ़ी पहले हम इनके यहाँ हेयर कटिंग करवाने के लिए आए थे, तो यहाँ पापा को लेकर के आए हैं। और बाहर में देखो पुलिस की गाड़ियाँ लगी हुई है। देखिए एक से डेढ़ साल बाद आए, जब से यूट्यूब पे वायरल हुए ना तब से यहाँ पे आए नहीं किए थे। हम सोचे कि पापा की हेयर कटिंग यहीं पर करवा दें। पहले वीडियो बनाते थे तो आपके यहाँ आते थे ना हम, एक बार वीडियो भी शूट किए थे ना यहाँ पे आके, बहुत पहले। हाँ वही से कंफ्यूजन में थे। शरीर बन गया आदमी को, देखिए पहले जी सैलून वाला है ना, जो किसी का शक्ल नहीं भूलता है। बात सही है बिल्कुल। हम तो सोचे ड्राइवर एक साल बाद आए होंगे हम यहाँ पे ना। तीन साल वाली बहुत दिन हो गया। फिर ड्राइवर के सैलून वाला के बराबर वही काम ना है। हाँ नहीं, शक्ल पहचानना। हाँ हाँ हाँ, कौन आदमी आते हैं जाते हैं। बाप रे, देखिए किस तरीके से सभी लोगों को पकड़ रहे हैं। जो जो लोग यहाँ पे दारू बेच रहे हैं इनलीगल। वैसे बिहार में दारू बंद है। चलो अपना बस पापा जी का केस वगैरह कटवा दिए, दाढ़ी वाड़ी छिलवा लिए। अभी ऐसा सीन हो गया था ना, मतलब अनएक्सपेक्टेड हो गया था। समझिए कि पुलिस वालों से एकदम लड़ाई वाला सीन हो गया था हमारा। तो जैसे उन लोगों को पकड़ के ले जा रहे थे, तो हम अच्छा के लिए बोल रहे थे कि बिहार में दारू बंद है, लेकिन दारू आ कहाँ से रहा है? तो हम ब्लॉगर, हम यूट्यूबर, पत्रकार अगर इस चीज़ को नहीं दिखाएंगे तो फिर युवा में कैसा क्या रहेगा? कुछ जानकारी तो होना चाहिए कि मेरे एरिया में क्या हो रहा है पटोरी में। तो वही चीज़ को हम कवर कर रहे थे। पापा दाढ़ी वगैरह कटवा रहे थे अंदर में, तो एक चौकीदार थे शायद, उनके लाठी उठी लेकर के रखे हुए। तो बोले कि वीडियो क्यों बना रहे। हमको मतलब पकड़ लिए तीन चार जगह से ना पापा, घेर लिए चारों तरफ से। अभी अलग ही सीन हो गया। हम कितना ही बोल रहे हैं कि अच्छा के लिए वीडियो बनाए हैं, कोई गलत वीडियो नहीं है, आप देख सकते हैं हमारा ब्लॉग का। तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँ कि बिहार में या फिर कोई सा भी सिटी अगर ऐसा जगह हो तो समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि हम ब्लॉगर या फिर पत्रकार अगर कोई वीडियोज़ वगैरह कहीं पर बनाते हैं, कोई गलत चीज़ के लिए नहीं बना रहे, अच्छा आपको अप्रिशिएट करने के लिए बना रहे कि हमारी पुलिस यहाँ पे काम कर रही है, एक्टिव है इस चीज़ को लेकर के। तो थोड़ा सा गलतफहमी हो रहा था। काफ़ी सारे पुलिस वाले भैया सब बोल रहे थे कि इनको पकड़ के लिए चलिए जेल में डाल देंगे। तो जस्ट अभी पटोरी मार्केट पहुँच, इसके अंदर अगर आप लोग जाओगे तो सब्जियों का पूरा भंडारा लगा हुआ है, पूरा मार्केट है इवनिंग के टाइम पर। और संडे को और भी ज़्यादा मार्केट लगता है यहाँ पर सब्जी वगैरह लेने के लिए। फिलहाल पापा टमाटर ले रहे हैं। तो भाई सब्जियाँ खरीदते खरीदते शाम हो गया और पापा गए अंदर सब्जी लाने के लिए, तो हम स्कूटी को छोड़कर जा नहीं सकते हैं, क्योंकि स्कूटी से बड़ा प्यार है हमें, है ना। नया नया है तो डाउट होता है कि अगर इसे कहीं छोड़ के चला जाए तो कहीं गायब ना हो जाए। तो पापा बोले कि तुम यहीं बैठे रहो, टमाटर नीचे रखे हुए हैं और वो डिक्की खोल करके सबको रख देंगे, क्योंकि डिक्की के अंदर कपड़ा रखे हुए हैं। तो भाई मार्केट करते करते सब्जी वगैरह लेते हुए शाम हो गया, एकदम सब्जी अंधेरा हो गया, रातें होने वाला है। इस तरह से 40 रुपये किलो लहसुन है। खाली मार्केटिंग कर ली, देखिए कितना सारा सामान लिए पापा, प्याज धनिया मिर्चाई बताइए सारा कुछ रखा हुआ है।
अब निकलते हैं हम लोग घर के लिए, क्योंकि अब रात हो गया है, काफी टाइम भी हो गया यहाँ पे। तो जस्ट अभी घर पे पहुंचे हैं। कितना गाड़ी चल गया हमारा, 500 किलोमीटर चल जाएगा, तो इसका सर्विसिंग भी होगा। यानी 229 किलोमीटर चला है अभी तक गाड़ी, यानी समझे ना कि 300 और चलना चाहिए। जस्ट अभी घर पे आए हैं और शाम को क्या होता है ना कि ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है सवेरे में और शाम में। मम्मी का तबीयत अभी भी फिर गड़बड़ हुआ है। लेट मम्मी, तबीयत ठीक नहीं लग रहा है? अच्छा ठीक है ठीक है, आराम करो आराम करो। ठीक है सीन कुछ ऐसा, आपकी प्यारी बहन सुहानी गरम गरम रोटी बना रही है, वो भी अकेले घर में, मम्मी जी नीचे पड़ी हुई है। आज तुम्हारा रिचार्ज नहीं हुआ, कल करवा देंगे। पैसा नहीं निकला था, लिमिट हो गया था उसमें, 800 रुपया था ना, तो 500 निकाले सब्जी लिए, 300 रुपया ही बचा हुआ है। ठीक है, फोन पे वगैरह तुम यूज करते नहीं? मम्मी में हो गया आधार कार्ड से, तो तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं इसमें, होगा कुछ होगा अरे इसमें तुम्हारे लिए, देखो ना। अब मान जाओ बचा के रखे थे। हाँ आप प्यार कर रहे हैं, वेलकम। क्या क्या चीज़ है देखो तो, हाँ देखो देखो ना, देखो तुम्हारे खाने वाला है, तुम रोटी के साथ खा लेना। ठीक है, क्योंकि सब्जी इसको पसंद नहीं आया ना आज वाला, इसीलिए। हाँ क्या है? ठीक है, नहीं 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 मत खाओ, खा जाओ, ठीक है तुम खा जाओ, तुम खा जाओ, खाना वाना बनाओ। तो गाइस हम भी कपड़ा वगैरह चेंज कर लेते हैं, ठंडी का मौसम बहुत तेज में पड़ रहा है गाइस, क्या बताएं आप लोगों को। मम्मी का तो वैसे तबीयत खराब रहता है, मन नहीं लगता है। क्या करें। आई होप गाइस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, बिहार समस्तीपुर से देख रहे पूरा फुल सपोर्ट है, चैनल पे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, बगल में स्टडी जाकर के फॉलो कर लीजिए। आज आपके राजा ब्लॉग को जेल जाना पड़ता है, क्योंकि बस गलती हमारी ये हो गई थी कि हम कैमरा ऑन कर ली थे और अच्छी बातें बता रहे थे वीडियो को लेकर के, चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया, हमको बोला कि इसको अब जेल ले चलते हैं, क्यों वीडियो बना रहा था, ऐसा सीन हो गया था हमारे साथ में। बट मैं यही कहना चाहूंगा कि देखो, अगर गांव में या फिर सिटी में कोई भी अगर व्यक्ति या फिर लड़का वीडियोस बनाता हो, अगर मानिए कि अगर आप देख रहे हैं, अगर आपके नजर में वो गलत है कि हाँ वो वीडियो क्यों शूट कर रहा है, क्योंकि अभी डिजिटल का जमाना हो गया, ऑनलाइन का जमाना हो गया, हर किसी के पास 4G 5G नेटवर्क, हर किसी के पास 4G फोन देखेगा, क्योंकि आजकल जितने भी युवा है सबका अर्निंग सोर्स ऑनलाइन से ही हो गया, कितने यूट्यूबर बन रहे हैं, कितने वेबसाइट बना रहे हैं, कितने ब्लॉगिंग कर रहे हैं। मेरा एक ही मोटिव था कि जहाँ पे दारू वगैरह इनलीगल बेचा जा रहा था वहां काफी सारे पुलिस आए हुए थे, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, शूट कर लेते हैं कि हाँ हमारे बिहार का पुलिस जो है अच्छा वर्क कर रही है। लेकिन सीन हो गया उल्टा, उधर से एक हमारे चौकीदार साहब थे हमारे पास के पटोरी के, उन्होंने फोन वगैरह देखा कि वीडियो शूट कर रहा है, उन्होंने आओ देखा न ताओ, और चारों तरफ से हमको घेर लिए, बोले कि इसको जेल अब लेकर के जाना है, डंटे वंटे निकालने लगे, समझिए ऐसा सीन हो गया। तो हम यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति वीडियो बनाए तो उनसे पहले पूछे क्यों बना रहे हो, किस लिए बना रहे हो, कहाँ डालना है, किस प्रकार के कंटेंट बनाते हो, किस लिए बनाए हो, ये सब सारी चीजें पूछना चाहिए। क्योंकि देखो एक पत्रकार होते हैं कि यूट्यूबर है, तो पत्रकार के पास उनके पास आईडी होता है तो वो बच जाते हैं, और हम लोगों के पास तो आईडी होता नहीं, चैनल्स होता है तो दिखाते, तो उन लोगों को लगता है कि ऐसे ही कोई होगा, ऐसे ही वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि देखो हमारी कोई गलत वीडियो रहता है नहीं, फैमिली को लेकर के रहता है, और अच्छा मैसेज जाता है कि युवाओं को ऐसा मत करो, क्योंकि दारू वगैरह पीने से बेचने से क्या होता है ना कि गली मोहल्ला भी खराब हो रहा है या फिर युवा भी इस चीज में जा रहा है। तो यही सब चीजें हम सोच रहे थे कि समझाए अच्छे तरीके से, लेकिन ये हो गया था नेगेटिव। बट कोई बात नहीं, सारा मामला सब कुछ ठीक हो गया अच्छे तरीके से, हम पापा वहां से चले भी आए। बस एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा लास्ट में कि अगर कोई वीडियो शूट कर रहा है कोई व्लॉगर, क्योंकि काफी सारे स्टेट में भी गया हूं तो हमारे साथ ऐसा हुआ है बर्ताव, क्योंकि कैमरा देख करके काफी लोग नहीं आ पाते हैं कि ये क्यों बना रहा है, किस लिए बना रहा है, तो उनसे एक बार जरूर पूछे कि भाई आप वीडियो जो शूट कर रहे हैं किस लिए, तो प्रेम से, यूं नहीं कि लाठी डंडा उठा ली उनको मारने के लिए दौड़ पड़े, ये तो गलत बात है। समझ, चैनल को सब्सक्राइब करिए फटाफट, 3 लाख कंप्लीट करवा दीजिए, अपना कीमती निकल के मेरा व्लॉग को देखने पापा, धन्यवाद।